अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। मैं आज आपके लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें देखेंगे आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या क्या हैं। फिर एक कार्ड में आपके पार्टनर के लिए निकालूंगी और एक कार्ड में आपके लिए निकालूंगी, थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर जो है उनके लिए और आपके लिए निकालूंगी, और फिर देखेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। तो कीप इन माइंड, ये एक जर्नल रीडिंग है, एज यूजल आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे या ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, वरना आपने इसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। पहले मैं आपके लिए 5 कार्ड निकालूंगी कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड जो हैं वो रिवर्स थे, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर जो है इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे क्लियर मैसेज दीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके उनके बारे में। प्लीज़ मुझे 5 कार्ड दीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उन। बहुत ज़्यादा कांड आता है। प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए। एक कार्ड गिर गया था, वो भी ले लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 6 ऑफ वांड्स। आपके पार्टनर हर हाल में आपको जीतना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो वो आपको जीतना चाहते हैं, वो किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक कार्ड में आपके पार्टनर के लिए भी लूँगी कि बॉटम ऑफ द डेक से, सॉरी मिडल ऑफ द डेक से, कि आपके पार्टनर इस वक्त करंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए मिल गया आपके लिए, और अब थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालते हैं कि उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए हमें भी उनके कार्ड मिल गया, यहाँ से भी सर मिडल ऑफ द डेक निकालते हैं कि क्या आया है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पे जस्टिस। आपके पार्टनर का साइन यहाँ पे लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई हो सकते हैं, आपके पार्टनर एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि क्या आया है आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के। आपके लिए कार्ड देखते हैं क्या आए हैं। अच्छा जी, पेज ऑफ वांड्स, स्टार, टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल। आई होप आपको कार्ड नजर आ रहे होंगे। गाइज, आपके पार्टनर का साइन यहाँ पर एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं, विर्गो हो सकते हैं, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर जो है इस वक्त आपको विक्ट्री, आपसे विक्ट्री कर जीत, आपको हर हाल में जीतना चाहते हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी आ जाए उनकी लाइफ में, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा हाई लाइट पर देखते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर पब्लिक आए हों या आप हों, आप यूट्यूबर हो सकती हैं या कोई ऐसा काम करते हों जहाँ बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनको, उनके काम को, उनके वर्क को। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्योच्योर एनर्जी में थे पास्ट में पेज ऑफ वांड्स से, लेकिन अब आपके पार्टनर जो हैं वो आपको एक कॉल या टेक्स्ट करना चाहते हैं, वो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे, उन्होंने आपसे ब्रेक ले लिया है, लेकिन वो अपनी गलतियों को सोच रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि आप उनकी लाइफ से चली गई थी या चले गए थे। अब वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। पहले आप इनकी अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा तरसी कि ये इंसान किसी तरह से आपको अटेंशन दे,
आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेट करे, लेकिन इस इंसान ने शायद आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन अब इस इंसान को आप इनकी लाइफ से जब गई हैं या ये चले गए हैं आपकी लाइफ से, तो इस इंसान को आपकी वर्थ पता चल गई है कि आप कितना डिज़र्व करती हैं इस इनकी लाइफ में। इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और बहुत ज़्यादा ये हार्डिक से गुजर रहे हैं। ये किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको हर हाल में अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। गाइज़ ये जो कार्ड होता है ये शादी का भी होता है। अगर आप इनसे ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये इंसान आपसे अपने सारे रिश्तों को सॉल्व करना चाहता है, आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री करना चाहता है, या अपनी सारी गलतियों को सोच के आपको इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहा है। और आप लोग इनसे सिर्फ जस्ट कपल हैं, आपकी रिलेशनशिप में थे आप लोग इनके साथ, तो ये अब एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का सोच रहे हैं। इनको जजमेंट कॉल दी जा रही है क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रखते हैं ये इंसान आपके साथ, इसलिए इनको वेकअप कॉल दी जा। गाइस ये देखिए काउंटर पार्ट निकल के आ गए बॉटम ऑफ द डेक, ये आपको अपना इक्वल मैच देखते हैं, चाहे आप मैरिड हों इनसे, चाहे अनमैरिड हों, या आप लोग किसी वजह से सेपरेशन में चले गए हैं, लेकिन ये इंसान आपको विक्ट्री करना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है हर हाल में। अब यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए क्या निकल के आता है। थर्ड पार्टी के लिए हमें जस्टिस का कार्ड मिला है। यहाँ पे भी ये पार्टनर जस्टिस देना चाहते हैं। अगर यहाँ पे ये मैरिड हैं इनसे तो ये यहाँ पे इनका लीगल मैटर चल रहा है, और अगर ये मैरिड नहीं है तो ये इंसान यहाँ पे भी जस्टिस चाहता है। तो कार्ड देख के बताते हैं कि आपके पार्टनर इनके बीच में क्या चल रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, ओ माय गॉड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा कार्ड मिले मुझे यहाँ पे, द फूल, यहाँ पे भी हरमिट है, हरमिट मोड पे है, और नाइन ऑफ पेंटिकल। गाइज आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे जस्टिस कार्ड क्यों आया है मुझे समझ में आ गया है। आपके पार्टनर ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हर चीज़ दी। अगर ये इनसे मैरिड थे तो ये इंसान खाली इनके पास पैसों के लिए थे, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बताता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वेल्थी हो सकते हैं, अच्छी जॉब हो सकती है, और अच्छे इनका बिजनेस हो सकता है, लेकिन अब आपके पार्टनर के पास कुछ नहीं बचा, ये खाली हाथ हो चुके हैं। इनको बहुत ज़्यादा मनी इश्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये थर्ड पार्टी जो है इनको छोड़ के तो चली गई, और ये दिखा रही है कि मैं जो है तुमसे कोई न्यू बिगनिंग करना नहीं चाहती, और मैं तुम्हारे में कुछ तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे वो मैनिफेस्ट भी कर रही है इनको अपनी लाइफ में। अब इनकी ये रिलेशन इनके लिए बर्डन बन चुका है। यहाँ पे भी ये इंसान सारी दुनिया से दूर होके अपनी गलतियों पे फोकस कर रहे हैं कि और पछता रहे हैं कि इन्होंने क्यों इस थर्ड पार्टी को चूज़ किया और आपकी कदर नहीं करी। ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसे पैसों की वजह से शायद इनके साथ थे, और इनके और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। आप मुझे ये भी फीलिंग हो रही है कि थर्ड पार्टी ने इनको पैसों की वजह से चीट किया है, तो अब ये जस्टिस चाहते हैं कि इनको जस्टिस दिया जाए कम अज़ कम। देखें गाइस एम्परर का कार्ड रिवर्स आया है यहाँ पर, जो कि ये बताता है कि ये इंसान अब ना इस शख्स का प्रोवाइडर बनना चाहता है, ना ये इस शख्स को कुछ देना चाहता है, ये इंसान अपनी लाइफ से इसको मैनेज करना चाहता है, ये इंसान जस्टिस देना चाहता है। अब आपके पार्टनर जब दोबारा अपने कारोबार सेट कर चुके हैं या कुछ भी अपने लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं, तो ये थर्ड पार्टी उनको दोबारा से अपनी लाइफ में लेके आना चाहती है कि दोबारा से वही सब ड्रामा शुरू हो जिस तरह से आपके पार्टनर को इसने पहले आपसे छीन लिया था। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, जो कि बताता है कि आपके पार्टनर अभी आप ब्रेक लिया हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। उन्होंने अपना और आपका फैसला रब के हवाले कर दिया है कि आपके और उनके बीच में जो भी मसले हुए वो सब वो सॉल्व करेगा, और आप दोनों के बीच में सुलह होगी। वो एक्शन नहीं ले रहे हैं लेकिन दुआ कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, गाइज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों का मैटर नज़र आ रहा है। ये इंसान, इस इंसान ने खाली इस इंसान को अपनी सारा सब कुछ दे दिया, जैसे कि पैसे होते हैं, अटेंशन होती है, लेकिन इस इंसान को वापस नहीं मिला। देखें गाइज पहले आप जो सिचुएशन आपके साथ इन्होंने ये करी, अब सिचुएशन ये वही सेम सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, लेकिन ये चाहते तो हैं कहीं कहीं कि इनको भी इक्वल गिव एंड टेक किया जाए, लेकिन
ये इस सिलसिले से तो ये जान छुड़ाना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए और कार्ड निकालूंगी कि आपके लिए ये शख्स क्या एक्शन लेगा। सोच तो बहुत कुछ रहा है आपके बारे में ये तो इंसान। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो शादी करना चाहते हैं, अगर आप लोग मैरिड होकर सेपरेशन में चले गए हैं तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है और आपसे अपना रिश्ता दोबारा बिल्डअप करना चाहता है। तो देखते हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गया है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन एनर्जी आ रही है और आप भी इस इंसान को ऐसा ही सोच रहे हैं, दिन रात आपके बारे में सोच रहा है ये इंसान। इसका बस चले ये पढ़ लगा के आपके पास आ जाए, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करे, इस रिश्ते में आपको वही सब कुछ रिटर्न करे जितना आप इनको देते थे जब आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। तब इस इंसान को आपकी कदर याद आई। अब ये अपने इंसान अपनी गलतियों पे फोकस कर रहा है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ ये है कि ये थर्ड पार्टी इसको अपनी लाइफ में दोबारा से मैनिफेस्ट कर रही है, लेकिन ये इंसान जस्टिस चाहता है यहाँ पे। अब ये कुछ इस लड़ाई झगड़े से, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट से ये रिश्ता इसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, इसका बोझ इनसे उठाया नहीं जा रहा है। ये इनको ड्रॉप करके गाइज आपके पास आने वाले हैं बहुत जल्द, लेकिन वो इस बात से डर रहे हैं कि ये इंसान आपके पास आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, ये फिर ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन गाइस ये किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं। आप लोग दोनों अलग कल्चर से हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका, हो सकता है आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिले हों, लेकिन ये इंसान आपके पास एक्शन लेना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपको अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहता है। इसने अपनी फीलिंग्स देखे गाइस इस लड़ाई झगड़े की वजह से कि आप आएंगे तो दोबारा से लड़ाई झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। ये इंसान लड़ना नहीं चाहता, इस ट्रैप एनर्जी से बाहर आना चाहता है। तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होल्ड पे करके रखी हुई है इस इंसान ने आपके लिए फीलिंग्स। एट ऑफ कप का कार्ड दिखाए मुझे, तो यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर पहले आपको छोड़ के चले गए थे। गाइस देखें, इनको ये लगता है कि फिर यहाँ पे बैटल्स होंगी, तभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये कुछ डर रहे हैं, इनको कुछ खौफ है, कुछ फेयर है कि फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फिर से लड़ाई झगड़े होंगे, जितनी भी इसकी लाइफ में सिचुएशंस आ जाएं। लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये आपको अपना ट्रू लव देखता है, आपके इस रिलेशन को एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलें फाइनल आउटकम देखते हैं आपका क्या होगा। गाइस एस ऑफ सोर्ट्स, ये इंसान क्लैरिटी देगा बहुत जल्द, इसकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। ये इंसान ये देख रहा है कि आप इसकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं और दूसरों से आपके बारे में पूछ रहे हैं, तो इनको लगता है कि अब आपके पास चॉइसेस आ गई हैं, आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं। गाइस देखें यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मिला है बॉटम ऑफ द डेक और आपके में निकल के आ गया है। ये इंसान अब आपका प्रोवाइडर बनना चाहता है, ये आपके साथ टेन ऑफ पेंटिकल देखता है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। गाइस और क्या चाहिए आपको, आप लोग देख लें कितना खूबसूरत स्प्रेड है आप लोगों का। ये इंसान सारी खुशियां, सारी हैप्पीनेस आपके दम से देखता है, ये इंसान चाहता है कि आपको कमिटमेंट दी जाए। और मतलब इस इंसान की नज़रें तो आपके ऊपर से हटी नहीं रही हैं, ये इंसान आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया स्टॉक कर रहा है और ये इंसान आपके बारे में सारी खबर रखता है और ये देख रहा है आप इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही, आपका सारा फोकस अपने पेंटिकल पे है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। ये इंसान अपने आप को स्टेबल करके आपके पास आना चाहता है। तो चलिए रोमांस एंजल से कुछ कार्ड निकालते हैं आपके लिए। देखेंगे इस हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, पहले आपसे इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, लेकिन अब भी आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं, अपने सारे फैमिली इश्यूज़ हील करके आपके पास आना चाहते हैं। आपने जो इनके लिए दुआएं मांगी हैं, आपने इनके लिए जो प्रे की हैं, अब उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आपको आ चुका है आपके पास। आपको कहा जा रहा है कि आप इनको माफ़ कर दीजिए, आप दोनों के बीच में चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये बहुत ज़्यादा पैशंस है, इसका बस चले ये उड़ के आपके पास आ जाए, या अभी आपको प्लेफुल एनर्जी से आपके पास आएगा और आपने जो कंट्रोल किया हुआ है अपना नेचर, आपको कहा जा रहा है कि आप उसको लेट गो करें, अपने फाइनेंसेस एंड कैरियर सॉल्व करके इंसान आपके पास आना चाहता है। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं अपने सेकंड चैनल पे जो है कल से वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगी और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय।